सो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने रिंगटोन को चेंज कैसे करेंगे। गाइस, एक बाय डिफॉल्ट रिंगटोन को यूज करके अगर आप बोर हो गए, यू नो, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह लगाना चाहते हैं रिंगटोन पे, तो नो डाउट आप इजिली लगा सकते हैं। वेल गाइस, इसके लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स मिलेगी साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको आप प्रेस करेंगे इस टाइप से। स्क्रॉल करके अगेन नीचे आना है, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। सिम वन फोन रिंगटोन, सिम टू फोन रिंगटोन दोनों का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज अ डेमो कोई एक सिम कार्ड को पिकअप करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिम टू को करता हूँ, एक बार प्रेस करना है। और सिम वन सिम टू पे अलग अलग रो है रिंगटोन आप सेट आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक में आपने लगा दिया तो दोनों पे सेम रहेगा, आप उसमें दूसरा कुछ भी लगा सकते हैं। ये है रिंगटोन्स, आप इनमें से कोई भी रिंगटोन सेट करना चाहें तो इजिली सेट आउट कर सकते हैं। ऊपर आपको टॉप नंबर पे एक सेटिंग्स मिलेगी कस्टम रिंगटोन का, अगर आपको सॉन्ग लगाना है, मैंने पहले ही बताया था किसी को सॉन्ग वगैरह लगाना है तो कस्टम रिंगटोन पे वो क्लिक करना है, और इसमें आपका फाइल मैनेजर गैलरी जो भी है जहां पर भी आपने रखा हुआ हो ऑडियो उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप उसको सेट कर पाएंगे, सेलेक्ट करके तो जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी फोन पर तो आपका जो सॉन्ग वहां पर सेट होगा वो सुनाई देगा। तो इस तरीके से अपने फोन के अंदर रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं। सो आई थिंक समझे होंगे रिंगटोन को चेंज कैसे करना था वीवो के T3 अल्ट्रा डिवाइस के अंदर।